नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूरिया लेवल बढ़ने पर आपको अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। तो आखिर तक बने रहे हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि यहाँ सवाल आपकी सेहत का है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में केवल यूरिया लेवल बढ़ने पर दी जाने वाली चीजों की जानकारी दी गई है। अगर आपके यूरिया के साथ साथ क्रिएटिनिन स्तर भी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी खराब हो चुकी है और इस डाइट चार्ट से कुछ चीजें आपके लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दालों और अनाज के बारे में। तो यूरिया लेवल हाई होने पर सबसे पहले दालों में कटौती की जाती है, क्योंकि इनमें प्यूरिन हाई होता है। इसकी वजह से पेशेंट की तबीयत खराब हो सकती है। तो सिर्फ कुछ ही दालें हैं जिन्हें यूरिया लेवल हाई होने पर लिया जा सकता है। इसमें धुली मूंग दाल और तुअर की दाल बड़े आराम से ली जा सकती है। ध्यान रहे, अगर यूरिया लेवल के साथ साथ क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ है तो आप केवल धुली मूंग दाल ही लें। इसके अलावा सभी तरह के चावल, जिसमें आप ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, बासमती या टूटा चावल भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, अगर रोगी को डायबिटीज की समस्या है तो चावल से थोड़ी दूरी बनाकर रखना सही होगा। चावल के साथ साथ आप गेहूँ ले सकते हैं, आप इसका दलिया ले सकते हैं और रोटी भी ले सकते हैं। इन सभी के अलावा यूरिया लेवल हाई होने पर पेशेंट को कुछ मात्रा में सोयाबीन भी दिया जा सकता है, ताकि बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यूरिया लेवल हाई होने पर डबल टोन या गाय का दूध ही लिया जा सकता है, लेकिन इसकी कितनी मात्रा होगी इसके बारे में रिपोर्ट्स देखने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। दूध के साथ साथ यूरिया लेवल हाई होने पर डबल टोन या गाय के दूध से बनी ताजी दही ही आप ले सकते हैं। इसकी मात्रा रिपोर्ट्स के आधार पर तय की जाती है। अगर रोगी शाकाहारी है तो वो प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए सप्ताह में एक बार पनीर 30 ग्राम तक अपनी डाइट में शामिल कर सकता है। अगर रोगी नॉन वेजिटेरियन है तो वो पनीर की जगह एग व्हाइट अपनी डाइट में ले सकते हैं। ध्यान रहे, दोनों में से एक ही चीज लेनी है। चलिए अब बात करते हैं चाय और कॉफी के बारे में। तो यूरिया लेवल हाई होने पर बहुत कम मात्रा में चाय ली जा सकती है, लेकिन कॉफी से दूर रहें। हम आपको सलाह देंगे कि आप अगर जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो दोनों से ही दूरी बनाकर रखें। चलिए बात करते हैं फलों के बारे में। तो यूरिया लेवल हाई होने पर रोगी केला, सेब, अमरूद, पपीता, संतरा, मौसमी, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और क्रैनबेरी खा सकते हैं। ध्यान रहे, दिन भर में केवल 100 ग्राम तक फल ही लें और फलों को शाम के बाद न लें, केवल दिन के समय ही लें। खाना खाने और फल खाने के बीच में कम से कम 45 मिनट का अंतर होना चाहिए और ज्यादा देर से कटे हुए फल न खाएं। तो आखिर में अब हम बात करते हैं सब्जियों के बारे में। यूरिया लेवल बढ़ने पर आप लौकी, टिंडा, हरा कद्दू, परवल, तुरई और करेला अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ये थी यूरिया लेवल हाई होने पर ली जाने वाली वो चीजें जिसे आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप फिर भी अपने लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहते हैं तो आप हमें अपनी रिपोर्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद गूगल फॉर्म पर भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे 24 घंटे के भीतर संपर्क करेगी। आपको हमारी आज के वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जी, क्या नाम है मरीज का? अजाम कैरी राठौर। कहाँ से आए? सीतापुर यूपी। जब आए थे क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत उनको डायलिसिस करवा रहे थे और उनको क्रिएटिनिन लेवल 8.1 था। ठीक है, उस समय जो है 8.2 है। डायलिसिस करा रहे हैं अभी? अभी नहीं करा रहे हैं। सूजन वगैरह है अभी कहीं पे? सूजन इस समय बहुत ही बिल्कुल नहीं है। पहले सूजन हो रही थी? पहले हो रही थी। जब डायलिसिस करा रहे थे तब सूजन हो रही थी, और अब डायलिसिस नहीं करा रहे तो सूजन नहीं हो रही है। दवाई से कुछ आराम है अभी। ठीक है, और किसी तरह की कोई दिक्कत? और दिक्कत पीस में शोल्डर में जो है पेन रहता है। ठीक है, बाकी सूजन वगैरह और सब चीज़ें फिट महसूस कर रही हैं अभी? हाँ, चलने फिर में थोड़ा जो है पहले से रिलीफ है। बहुत बढ़िया। कितना समय हुआ है अभी दवाई शुरू करें? एक महीना हुआ, सेकेंड महीने के लेने आए हैं हम।